तो हाय गाइस, मैं हूं विशांत नाइक और मैं हूं प्रिया नाइक एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल नाइक जोड़ी इन यूके। और आज हम आए हैं कार्डिफ में, जो कि है कैपिटल सिटी वेल्स का और वो है साउथ वेल्स में। हाय गाइस, जो आप पीछे देख रहे हैं वो है वेल्स टीम का रग्बी स्टेडियम, होम रग्बी स्टेडियम, और उसका नाम है प्रिंसिपैलिटी स्टेडियम। ये ऑफिशियली रग्बी इधर खेलते हैं लेकिन फुटबॉल भी इधर खेला जाता है। तो आइए हमारे साथ, हम आपको एक्सप्लोर करते हैं पूरा कार्डिफ सिटी टूर। सो गाइज, ये जो आप पीछे देख रहे हैं वो है मार्केट कॉम्प्लेक्स कार्डिफ सिटी सेंटर का। तो चलिए हमारे साथ दिखाते हैं आप। आज हम आए हैं कार्डिफ सिटी सेंटर में, जो कि है साउथ ऑफ वेल्स में, और हम आज एक्सप्लोर कर रहे हैं कार्डिफ सिटी सेंटर। गाइज, आप देख सकते हैं हम आए हैं कार्डिफ मार्केट में और इधर बहुत सारे स्टॉल्स हैं। आप इधर शॉपिंग भी कर सकते हैं, आप इधर स्पाइस भी खरीद सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज से, और इधर बालकनी टूर भी है। तो गाइस, आप इधर देख सकते हैं, ये है मार्केट आर्केड का बालकनी फ्लोर। आप इधर बैठ के कुछ खा भी सकते हैं, इधर बहुत सारी शॉप्स है। और इधर आर्केड का एक स्ट्रक्चर देखिए। तो आप गाइस इधर देख सकते हैं, इधर बहुत सारे ओल्ड रिकॉर्ड्स भी मिलेंगे। रिकॉर्ड्स बोले तो इधर ये जो हमारे ग्रामोफोन्स होते हैं उसमें डाल के सुनने के लिए बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, ओल्ड रिकॉर्ड्स है। आप देख सकते हैं बहुत सारे, आप देख सकते हैं इधर बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, ये बहुत पुराने हैं, अर्ली 19th century के, उससे भी पुराने हैं एक्चुअली। ये हम पहले वाले वॉकमैन में सुना करते, वो कैसेट्स भी है इधर देख के, ये 3 pounds के पर कैसेट है। गाइस देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा मार्केट है, ये मार्केट फुल भरा पड़ा है शॉपिंग के लिए। आप इधर आ सकते हैं, आप इधर ब्यूटीफुल इंस्टाग्राम पोस्ट भी कर सकते हैं पिक्चर निकाल के। बहुत बहुत बड़ा मार्केट है। Yeah.
तो गाइस ये है पीछे जो आप देख रहे हैं वो है कैसल आर्केड। इधर एक वर्ल्ड ओल्डेस्ट रिकॉर्ड शॉप है जो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। नहीं ये इधर नहीं है, वो मॉर्गन आर्केड में, लेकिन ये जो कार्डिफ सिटी है वो फेमस है आर्केड के लिए। तो चलिए हम आगे दिखाते हैं आपको कैसल आर्केड। फ्रेंड्स अभी हम आए हैं कैसल आर्केड में जो कि है कार्डिफ में, और यहाँ पे आपको वाइन शॉप्स, बेकरी शॉप्स और बहुत तरह के अलग अलग शॉप्स दिखाई देंगे। ये देखो ये जो आर्च है उसको कवर किया है ग्लास से, तो वो आप पूरा देख सकते हैं कि आर्केड है। ये बहुत अलग है और बहुत डिफरेंट है। फ्रेंड्स ये देखो ये है कैसल आर्केड का बालकनी व्यू, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आर्च है उसको कवर किया है। यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहे ये स्ट्रक्चर हमने बहुत ही ध्यान से और एक ओल्डन हेरिटेज में बनाया है, और इसको नया वाइब भी देने की कोशिश की है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। यूरोपियन स्टाइल वाइब, यूरोपियन स्टाइल वाइब दिए है इन्होंने, बहुत ही अच्छा वाइब है इधर। और इन दोनों स्ट्रक्चर्स भी दिए है पूरी तरह, तो एक बहुत ही अच्छा वाइब है। अरे तू वो गाइस आप देख सकते हैं ये बहुत ही पॉजिटिव वाइब है। इधर एक हिस्टोरिक जगह जैसे दिखाई है, उन्होंने अपना ओल्डन कल्चर और एक हेरिटेज को सेव करके रखा है, और उधर बहुत ही मॉडर्न वाइब जैसे लग रहा है, ओल्डन हेरिटेज हो कि नया लाइफ स्टाइल जैसे दिखाया उन्होंने, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज हम आए हैं कार्डिफ में, और कार्डिफ जो सिटी ऑफ आर्केड्स भी बोला जाता है। आज अभी मैं जो जगह पे खड़ी हूँ वो है कैसल आर्केड। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिटी सेंटर में और हर जगह पे आपको आर्केड्स दिखाई देंगे। आप जो ये स्ट्रक्चर देख सकते हो आर्च का जो कवर किया हुआ है ग्लास से, और आप देख सकते हो कितना सुंदर ये कैसल आर्केड है, जहाँ पे आपको बहुत सारे शॉप्स दिखाई देंगे, कैफेज़ है, पब्स है। ये छोटा सा एक कॉम्पैक्ट मार्केट है, पर आपको यहाँ पे सारे चीज़ें करने को मिलती है एक छोटे से कॉम्पैक्ट आर्केड में। तो गाइस आप इधर चाय भी पी सकते हैं, मसाला टी, इधर कार्डिफ में चाय स्ट्रीट भी है, तो आप इधर चाय भी ले सकते हैं। और मसाला मार्केट, मसाला मार्केट और सिटी नहीं बोली कि मसाला मार्केट, हाँ मसाला मार्केट चाय पी सकते हैं। ये आप देख सकते हैं वो है सिटी टू कार्डिफ का। तो गाइज आप देख सकते हैं पीछे जो है
वो है हाई स्ट्रीट कार्डिफ का। बहुत ही अच्छे पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं और हम भी ले रहे हैं पॉजिटिव वाइब इधर। तो देखते हैं आगे हमको क्या क्या देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं सिटी सेंटर में और हम लोग अभी जा रहे हैं मॉर्गन आर्केड में। गाइस, हम लोग अभी आए हैं मॉर्गन आर्केड में, सो हमारे साथ एक्सप्लोर करो। चलिए हम देखते हैं अंदर हमको मॉर्गन आर्केड में वर्ल्ड का ओल्डेस्ट कॉपी शॉप मिलने वाला है। तो देखते हैं अंदर क्या क्या मिलते हैं हमको। हेलो फ्रेंड्स, ये है स्पिलर्स रिकॉर्ड और ये जो है रिकॉर्ड शॉप, वो एस्टैब्लिश हुआ था 1894 में और ये है ओल्डेस्ट रिकॉर्ड शॉप। तो गाइस, आप देख रहे हैं ये है सिटी सेंटर का पॉजिटिव वाइब। इधर बहुत ही अच्छी जगह है पब्स के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए। तो हम अभी आपको दिखाते हैं सिटी कैसी है कार्डिफ की। फ्रेंड्स, हम आए थे कार्डिफ कैसल देखने के लिए पर आज कार्डिफ कैसल बंद है। पता नहीं, ये बैड लक है हमारा क्योंकि हम लोग आए थे 4 घंटा दूर ड्राइव करके, पर आज कैसल बंद है। हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट टाइम जब भी कैसल ओपन होगा, हम पूरी जानकारी लेके आएंगे और फिर हम लोग आपको कार्डिफ कैसल का टूर करवाएंगे। फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं ब्यूट पार्क में जो कार्डिफ कैसल के बाजू में है। क्योंकि कैसल बंद था तो हम लोगों ने सोचा कि कार्डिफ पार्क आ जाए, ये ब्यूट पार्क आ जाए। और ये बहुत ही बड़ा पार्क है, ये पूरे वीडियो में नहीं दिखा सकते, पर उसके आप थोड़ी बहुत ग्लिम्सेस देख सकते हो। बाजू में यहाँ पर एक छोटा सा लेक भी है, आप इंजॉय कीजिए। आपको साइकिल हायर करने के लिए कॉइन डालना पड़ता है, तो कॉइन डाल पे आप इधर हर जगह पे टूरिस्ट अट्रैक्शन पे साइकिल रहती है, तो आप साइकिल से टूर कर सकते हो। कोई भी टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस होता है उधर आप टूर कर सकते हो, कॉइन डाल के साइकिल लेके पूरा अट्रैक्शन का एक राइड कर सकते हो। वो और एक्सपेंसिव भी नहीं होता है, चीप राइड में आपका मतलब एक टूरिस्ट आप अट्रैक्शन देख सकते हो।
तो गाइज आप देख सकते हैं इधर बोट राइड भी होती है और ये इतनी बड़ी क्यू है बोट राइड के लिए। ये आपके एक ये आपको एक कैनाल का पूरा टूर करके लाती है, छोटा सा कैनाल है, इसका टूर के लिए भी बहुत बढ़िया है।